जो छीनना चाहते हैं उसको बचाने का चुनाव है, जहां ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, वही ये हमारे भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग, जहां आप मदद कर रहे हो वहीं हमें एक कलाकार और मिल गया है। जो दिल्ली वाले प्रधान सांसद हैं उनके लिए गाना बनवा के लेके आया है। जो प्रधान सांसद हैं बगल की लोकसभा के, जो और जब से 100 से 112 किया है तब से पुलिस विभाग को भी लग रहा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए इस चुनाव में हम भदोही के लोगों को कहके जा रहे हैं कि इस बार हमारी मदद करना, और मदद कर करके लतपति त्रिपाठी जी को जिताना। और हमने रमेश जी को भी इन्हें तो पहचानते होंगे, ये अलग बात है, ये दूसरे दल में थे। जब उससे पहले दूसरे दल में थे तब मैंने इनसे कहा था हमारे साथ आ जाओ, तब परिस्थितियां नहीं बनी, लेकिन अब इन्हें बुला करके हमने इन्हें भी बगल की लोकसभा से लड़ा दिया। बताओ रमेश बीन जी के सारे, इनकी भी मदद करोगे लतेश जी की? पार्टी के इलाहाबाद के और आपके भदोही के लोग सब मदद कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। और अभी जब मैं फूलपुर गया था, जो फूलपुर की रैली हुई थी वो ऐसी रैली हुई, ऐसा जन सैलाब आया, ऐसा लोगों का समुद्र आया कि वहां पर कुछ नहीं बचा, केवल हमीर। जो लोग कहते हैं कि वहां पर लोग नहीं थे, आप पता कर लेना, दिल्ली वालों का कार्यक्रम और लखनऊ वालों का कार्यक्रम आजकल जिन पंडालों में हो रहा है वो पंडाल छोटे बनाए जा रहे हैं, और जो खाली सीटें रहती हैं उसमें विभाग के कर्मचारियों को बैठा करके सादा वर्दी बना करके बताओ जनता ने साथ छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ दिया? एनडीए वाले नकारात्मक राजनीति करते हैं और पीडीए और इंडिया वाले सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं देश को, एनडीए वाले पीछे ले जाना चाहते हैं देश को। भर्ती के लिए ये नौजवान सोचते थे कि हम तैयारी कर लेंगे, भाग दौड़ करके मेहनत करके हमें मौका मिल जाएगा फौज की नौकरी में। इन्होंने जहां फौज की नौकरी की संख्या कम कर दी, वहीं अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, दिल्ली में जहां 30 लाख नौकरियां खाली हैं वो भरी जाएंगी, साथ ही साथ 30 लाख वो नौकरियां, और साथ ही साथ जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी इस बार ज्यादा फौज में भर्ती होगी आपको, और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं किसानों का कर्ज माफ होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुके हैं, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया, सुनने में आ रहा 25 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का और गरीबों का लाखों रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों कह के जा रहे हैं
जिनका लाखों में कर्जा है, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो इनका भी कर्ज माफ होगा। जिस तरीके से ये जब राशन देना था तो हमारे गरीबों को राशन चुनाव से पहले न जाने क्या क्या दे रहे थे, अब तो राशन में भी कटौती कर दी। और जो राशन दिया जा रहा है वो बताओ कितना खराब गरीबों को राशन दिया जा रहा है। राशन में कोई गुणवत्ता नहीं है। इसीलिए हाल में आपने सुना होगा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद करके जो पौष्टिक होता है वो खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी कह के जा रहे हैं ना राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, वहीं पैकेट के आटे के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पैकेट का आटा पौष्टिक इसलिए जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, राशन की मात्रा इसलिए बढ़ाएंगे जिससे कि आपका भरपेट भोजन हो सके परिवार का, और डाटा फ्री इसलिए क्योंकि बिना डाटा के आजकल कोई चीज चलती नहीं है। डाटा होगा तो अपनी नौकरी भी ढूंढ लेंगे, रोजगार भी ढूंढ लेंगे, डाटा होगा तो फॉर्म भी भर देंगे, डाटा होगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे। इसलिए पैकेट पे आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। समाजवादियों की लैपटॉप की भी नकल की थी, याद है लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, जिनको मिला होगा उस समय वो आज भी चल रहा होगा जिनको उस समय मिला था। लेकिन बीजेपी वालों ने कितना दिया लैपटॉप, इतना हमने दिया, इतना दे दिया हमने। और जब चलाते होगे तो उंगली गिर जाती होगी, कितना रद्दी दिया होगा, बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया। इसलिए मदद करिए, आपको समझ लो मदद करिए, मदद करोगे आप लोग। और ये मदद जो आप करने जा रहे हो वो लोकतंत्र को बचाने की मदद है, संविधान को बचाने के लिए मदद है, हमारे आपके अधिकार जो छीनना चाहते हैं उसको बचाने का चुनाव है। जहां ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, वही ये हमारे भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग, जहाँ आप मदद कर रहे हो वही हमें एक कलाकार और मिल गया है। जो दिल्ली वाले प्रधान सांसद हैं उनके लिए गाना बनवा के लेके आया है। जो प्रधान सांसद हैं बगल की लोकसभा के,